बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे मरुदर बुलेटिन और आज बादशाह कुचामन सिटी नगर पालिका के जो वार्ड नंबर 31 के अंदर पहुंचे हैं। तो 31 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद फैजल खान को यहां से टिकट दिया है। तो इनसे बात करेंगे भी ये कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं कहीं चेयरमैन के दावेदारी के अंदर भी इनका नाम आ रहा है। तो इनसे बात करेंगे, अगर इनको मौका मिलता है तो ये कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं उसका समाधान करेंगे। चैनल के अंदर स्वागत है आपका। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल फैसल है और मैं यहाँ से मौजूदा पार्षद हूँ और अभी वापस पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया है और यहाँ से मेरे को टिकट दी है कांग्रेस से। यहाँ पर मैं बताऊँ, ये पहाड़ी एरिया है, सबसे पहले सबसे पुराना पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो मैं बताऊँ आपको, सीवरेज की है। यहाँ पर जैसे पहाड़ी एरिया होने की वजह से गड्ढा खोदने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो वही है मेरे यहाँ पे इस वार्ड के अंदर। बाकी जैसे सिटी के अंदर का वार्ड है तो सड़कें वगैरह सब है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मैंने 5 सालों में जो भी कार्य करवाए हैं, जैसे सड़कें वगैरह है, नालियाँ वगैरह हैं, लाइट का काम है। एक एरिया के अंदर तो सीवरेज बन चुकी है, आगे 3 एरिया और हैं जहाँ पे सीवरेज की बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड भी, और वहाँ पे मतलब सही में आवश्यकता है। क्योंकि पुराना एरिया के होने की वजह से क्या है, यहाँ पे घर लोग इतने विकसित नहीं है कि अपने जैसे खुद का करवा के या टैंक वगैरह सुविधा करवा के या गड्ढा खुदवा के, गड्ढा खोदने की तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि गड्ढा खुदता ही नहीं है। गड्ढा खुद जाए अगर वो समस्या हो जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, कोई सिटी का अंदर का वार्ड है पूरा का पूरा। तो अगर ये सीवरेज की जो सबसे बड़ी समस्या ही सीवरेज की समस्या है यहाँ पे, तो मेरा अगर मैं जीतता हूँ यहाँ से तो पूरा मेरा ध्यान उसी के ऊपर ही है कि जो भी एरिया बाकी रहे हैं मेरे यहाँ पे, जैसे 3 गलियां हैं उनके अंदर सीवरेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने ये मुद्दा, जैसे मैं पहले पार्षद बनके जब गया था नगर में, तो पहला मुद्दा मेरा वही था कि यहाँ पे जो सीवरेज का काम सबसे पहले हो। और एक में जैसे टेंडर पास हुआ, एक एरिया में मैंने बनवाई भी है और बाकी के 2 एरिया में यही काम रहेगा। और विकास के नाम से ही मैं विकास के नाम पे ही वोट मांगूंगा और जो विकास किया मैंने उसके आधार पर मैं आगे चलूंगा और मेरी कार्यशैली भी विकास के नाम पे ही रहेगी। तो फैजल, जैसे आप फर्स्ट बार जब आपने पार्षद बने तो आप जो आपने बताया, हमने का जो कार्यशैली हमारी रही, हम जो जो सत्ता के बीच में गए आपने वादे किए, तो ऐसा कौन सा वादा बाकी रह गया जो आप पूरा करोगे अभी, जो अगर आपको दोबारा मौका मिलता है? जी, जो मैंने वादे किए थे पहले कि सड़कों का था, मेरे नालियों का था और सीवरेज का था। सीवरेज जैसे 3 लाइनों में बिछानी थी जिसमें से एक में तो पूरी हो गई, अब 2 लाइनें और हैं जहां पर मेरे को सीवरेज डलवानी है, तो उसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा। तो जैसे आप एक चेयरमैन की दौड़ के अंदर भी माने जा रहे हो, तो एक चेहरा जो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, 38 साल से भारतीय जनता पार्टी का इस बोर्ड के ऊपर कब्जा है, तो क्या आपकी बार ये किला भेद पाओगे आप? जी सर, इस बार हम 100% इस किला भेदेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कांग्रेस की लेके आए और इस बार पूरा विश्वास है हमें, हमारे आला अधिकारियों पर भी हमें विश्वास है पूरा कि इस बार ये किला भेदेंगे हम। तो पिछली बार भी आपने जैसे देखा गया हंगामे भरा जो आपका जो सत्र रहा नगर पालिका का, तो इसके अंदर आपने और कौन कौन से मुद्दे इस नगर पालिका के, जो आपने अपने वार्ड के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे नगर पालिका के अंदर उसकी आवाज उठाई आपने? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे सब्जी मंडी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि जो सिटी के अंदर है, उसके लिए हमने आवाज उठाई है कि वहां के लोग जाएंगे कहाँ पर, तो उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए थे। और अपने जो सफाई की जो व्यवस्था है भाई, हर जैसे शहर का विकास होता है तो स्वच्छ शरीर से स्वस्थ मन से होता है, तो अगर हमारे यहाँ पे अगर स्वच्छ सफाई व्यवस्था अगर नहीं रहेगी तो हम क्या मतलब स्वस्थ मन कर पाएंगे, क्या स्वस्थ तन कर पाएंगे। इसलिए जो मुद्दा हमने उठाया था सफाई का भी उठाया था पूरा, और जो गौवंश का है कि भाई यहाँ पे इतनी गौशालाएं होते हुए भी उनका निवारण नहीं हुआ आज तक भी, जैसे कई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं हमने देखा है कि भाई उनके मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट है, जैसे जो गाय वगैरह है या सांड वगैरह है जो सड़कों पे चल रहे हैं उनकी वजह से नुकसान होता है, उसमें जनहानि का भी खतरा रहता है और अपने गाड़ी वगैरह है उनका भी नुकसान होने का खतरा रहता है उसके अंदर। तो उसके लिए भी हमने मुद्दा उठाया था कि भी इनका सही तरीके से इनका निवारण किया जाए, इस समस्या का निवारण किया जाए। और हमने भ्रष्टाचार के ऊपर भी खूब सारे हमने मुद्दे उठाए हैं वहां पर नगर पालिका के अंदर।
अब देखते हैं अगर हमारा बोर्ड बनता है, कांग्रेस का बोर्ड बनता है, तो हम सबसे पहले जो ये जो भ्रष्टाचार वाला है उसका पूरा विरोध करेंगे और उसको सही तरीके से उसका जो दोषी है उसके अंदर उनको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। और सीट तो ये सबसे बड़ी 31 नंबर वार्ड की जो और सीट बनी जा रही है आपके सामने, बीजेपी के भी दिग्गज नेता जो आपके सामने अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनके पुत्र चुनाव मैदान के अंदर है, तो क्या लगता है अब की बार जो आपका जो वार्ड है, आपने बताया मेरी कार्यशैली है, तो क्या लगता है अब की बार इस जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 38 साल के अंदर जो बोर्ड बना रही है तो इसी के ऊपर लेकर उन्होंने आपके सामने जो कैंडिडेट उतारे भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब की बार कैसा लग रहा है अभी आप इस किले को कैसे तोड़ोगे अब की बार खुद के वार्ड में? जी हॉट सीट है, सही में हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो देवीलाल जी हैं उनके पुत्र गौरव राजपुरोहित वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो 5 साल में काम किया है, जो विकास करवाया है, उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। पूरा हमारा फोकस सिर्फ विकास के नाम पर ही है कि हमने अगर वोट यहाँ पे विकास करवाया तो आप हमें वोट दीजिए और हर संभव प्रयास हम करेंगे कि ये सीट निकलेगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे यहाँ से। जी तो जैसे नगर पालिका के 45 वार्डों की बात करेंगे तो 45 वार्ड के अंदर जो जनता है, जो वोटर है और आपके जो यहाँ के मतदाता है उनको हमारे मीडिया के माध्यम से 28 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूंगा कि जो यहाँ पर 38 साल से बीजेपी का जो शासन रहा है उसके खिलाफ आप जाकर वोट दीजिए, कांग्रेस को आप विजय बनाइए ताकि जो कुशासन यहाँ पर हुआ है वो सुशासन में चेंज हो सके, उसमें कुछ बदलाव हो सके। तो इसलिए आप जितना हो सके जितने भी आप कांग्रेस उम्मीदवार जो भी चुनाव में लड़ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, मैं उनको वोट देने की अपील करता हूँ आपसे। और कांग्रेस पार्टी को आप एक दफा यहाँ पे वापस फिर से लेके आइए नगरपालिका के अंदर और फिर आप और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी पालिका में आएगी तो निश्चित ही बहुत सारे अच्छे बदलाव किए जाएंगे। जी तो ये थे हमारे साथ 31 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी जो प्रत्यक्ष यहाँ से फैजल खान जो यहाँ से उतारा है, तो इनका मानना यही है भी जो नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा आज नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार है, तो इनको अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो इन्होंने बताया भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की हमने पिछली बार भी कोशिश की और आने वाले वक्त के अंदर हमें भ्रष्टाचार मुक्त इस नगर पालिका को बनाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को तय करना है, 31 नंबर वार्ड की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो। बच्चे को यहाँ से मौका मिला पार्षद बने तो अब की बार फिर मैदान में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आप पे भरोसा जताया है, तो क्या लग रहा है अब की बार आपको कौन कौन से मुद्दे हैं जो लेकर जिसको लेकर चुनाव? जो आवास में हमारे पहले कुछ काम नहीं हुआ था तो इस बार हमने पूरा काम किया है वार्ड के अंदर, कुछ भी जैसे नाली, सड़क, लाइटें, जो भी आवास का हमारे मोहल्ले वार्ड वासियों का जो भी काम था वो पूरा किया है, किसी को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमारे वार्ड के अंदर, हम उस जो विकास किया उस विकास के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। तो कुचामन के अंदर आपने देखा होगा कुचामन के नवा विधानसभा जो पूरा आता है तो कहीं कहीं बीजेपी पूरे राजस्थान की बात करें कहीं कहीं जो आरोप लगाती है कांग्रेस पे 70 साल के अंदर कुछ नहीं किया, तो आपके कुचामन के अंदर ऐसा क्या जो लगा, महेंद्र जी दूसरी बार है यहाँ से लगातार, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया इस कुचामन के? देखो कुचामन के लिए हमारे नेताजी ने जो तहसील का दर्जा नहीं था वो तहसील का दर्जा दिलाया, अभी उनको अपने 5 तहसीलें और जोड़ी है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिला भी बनाएंगे, जो हमारे ब्लड बैंक है कुचामन सिटी के लिए, ATM कार्यालय हैं, जो सब कुचामन को सौगात दिए वो महेंद्र जी की ही देन है। हमारे नेताजी कुचामन के विकास के अंदर कुछ भी ये सब बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जो पिछले जितने भी हमारे बीजेपी के जितने भी चाहे वो बीजेपी के थे या कोई निर्दलीय थे या कांग्रेस के थे पहले, उनसे जो काम नहीं हुआ वो काम इन्होंने करके दिखाया है और विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी जो हमारा डिपो बन रहा है वो राजस्थान इस हमारे जो ये है इस एरिए में 2 नंबर पे है, मतलब हमारे संभाग के अंदर इतना बड़ा वो बस स्टैंड बनाया, हमारे बस स्टॉप है ना वो बना। कहीं कहीं जैसे आपके बच्चे अब की बार जैसे आप आपके परिवार से चेयरमैन की भी दावेदारी आप बता रहे हो, चेयरमैन के अंदर नाम आ रहा है, तो अगर मौका मिलता है तो ऐसी कौन सी बड़ी समस्या लग रही है अभी अब की बार उसका समाधान हो सकता है? समाधान तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि पहला तो कुचामन को जिला बनवाए और जो कुचामन में जो कमियाँ जो कुछ वार्डों में मतलब भाजपा का बोर्ड होते हुए कई वार्डों की अनदेखी की गई है, उन वार्डों के अंदर आगे चल के हम ये चाहते हैं कि भाई उन वार्डों का भी विकास हो। कुचामन में कोई भी जो माइनॉरिटी है हमारे SC ST के वार्ड है उनमें बिल्कुल भी मतलब काम नहीं हुआ, नहीं उनके कोई अनदेखी होती है हर बार,
इस बार ये नहीं होगा। जैसे ही हमारे चेयरमैन बैठेंगे तो उसके बाद में पहले यही रहेगा कि भाई जो वार्ड पिछड़े हैं उनको पहले स्थान पर रख के उनका काम कराया जाएगा। तो जैसे राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी से एक चाणक्य माने जा रहे थे उनको आपके मैदान अब की बार आपके सामने उतारा है, तो क्या लगता है अभी की बार ये जो मुकाबला है कैसा देखा जाएगा? मुकाबला बिल्कुल कांटे का रहेगा और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमारे साथ हमारे वार्डवासी सब हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम कुचामन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और हम कोई वाद जैसे वाद ये चलाते हैं लोग, भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम का और का, वो कुछ नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर सब एकता के साथ रहते हैं, ये एक मिसाल हमारे वार्ड की। तो हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और विकास के ऊपर ही वोट देंगे लोग। 31 नंबर वार्ड के जो यहाँ के जो मतदाता यहाँ के वोटर हैं उनको हमारे मीडिया के माध्यम से आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहोगे? बस विकास के नाम से ये चाहते हैं आप अपने दिल की आवाज़ से वोट दो, जो भी है आपकी, ये मत देखो भाई ये बीजेपी है या कांग्रेस है, ये मत देखो, ये देखो कि आपकी जो अंदर आत्मा क्या कहती है उसके ऊपर वोट दो, जो विकास किए हैं उसके ऊपर वोट दो। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।